सऊदी अरब और यूएई में तेल पर बढ़ा तनाव, क्रूड ऑयल की कीमतों में लगी आग भड़काने की आशंका से टेंशन में है भारत। तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सहमति न बन पाने के कारण सऊदी अरब और यूएई के बीच विवाद गहराने से भारत सहित कई देशों में टेंशन आ गया है। यदि जल्द ये विवाद नहीं सुलझा तो तेल के दामों में पहले से ज़्यादा आग लगने की भड़काने की आशंका जताई जा चुकी है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है रेगुलर बढ़ रहे हैं इंडिया में या और भी कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। पेट्रोल डीजल में बढ़ते दामों से निजात मिलाने की कोई संभावना नहीं है, उल्टा इजाफे की रफ्तार और तेजी हो सकती है। इसकी वजह तेल के निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सहमति ना बन पाना और सऊदी अरब और यूएई विवाद गहराना। दोनों देशों के रिश्ते लगातार तलख होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत सहित उन सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है जो बड़े तेल पैमाने पर आयात करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस जंग में कच्चे तेल की कीमतों को जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और सऊदी अरब ने संतुलन बनाने का एक हवाला दिया है। विवाद की भेंट चढ़ी है एक मीटिंग। यूएई ने ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के लिए तेल प्रोडक्शन में कटौती के फैसले का विरोध करते हुए यूएई ने इस डील को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है। उसने दो टूक शब्दों में कहा है कि अपना तेल उत्पादन बढ़ाए बिना वह डील को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। हाल ही में आयोजित हुई ओपेक प्लस की बैठक में दोनों देशों की विवाद की भेंट चढ़ गई थी और आगे मीटिंग कब होगी ये भी तय नहीं हो पाया। यूएई तेल उत्पादन में चरणबद्ध वृद्धि के साथ मौजूदा सौदे को 2022 तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के खिलाफ है। क्रूड ऑयल जो है वो और परेशान करेगा बहुत सारे देशों को। दोनों देशों की तकरार का तेल की कीमतों पर असर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार कच्चे तेल का दाम लगभग $77 प्रति बैरल हो गया, जो 2018 के बाद में सबसे अधिक है। कई जानकारों ने हाल ही में $80 प्रति बैरल तेल की कीमत रहने का अनुमान लगाया था। उनका कहना था कि यदि ओपेक देशों का आपसी विवाद नहीं सुलझा तो क्रूड ऑयल की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है तेजी के साथ, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में तेल की कीमतों तब तक बढ़ती रहेगी जब तक केंद्र सरकार पिछले साल बढ़ाए गए टैक्स को कम नहीं करती है। ये जो भी यूएई और सऊदी अरब के बीच हो रहा है, जो भी इस पे इंडिया का ऑफर आ रहा है, इस पे आपकी क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।